खबर के साथ शुरुआत करेंगे हिमाचल से। ये बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल में पिछले 72 घंटे से बारिश का कहर जारी है। बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से 60 मौतें हो गई हैं। हिमाचल में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल में रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में कई, आपको बता दें कि बारिश होने की वजह से कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है, क्योंकि हिमाचल में पिछले 72 घंटे से बारिश होने की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हिमाचल में बाढ़, बारिश जो है वो किस तरह से कहर बरपा रही है, किस तरह से हाहाकार मचा हुआ। ये तस्वीरें देखिए, बारिश लगातार होने की वजह से 4 मकान जो है वो ढह गए हैं। और अब इस पूरी स्थिति को अगर आप समझें, क्योंकि 72 घंटे से बारिश हो रही है और पूरे हिमाचल की बात करें तो लगभग 60 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि लगातार हिमाचल के सीएम इस पर नजर बनाए हुए हैं, हालात खराब ना हो, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर कई जिलों में हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से 60 लोगों की जान जा चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है, लगातार रविवार से बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड का जो खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक नहीं रुका है। शिमला में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। बारिश के चलते राज्य में 48 घंटों में 60 लोगों की मौत हो गई है। आपदा से राज्य में अब तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल में स्कूल कॉलेज को खराब मौसम के चलते 16 अगस्त को भी, यानी कि आज भी बंद कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से स्कूल तो बंद थे, लेकिन आज के दिन भी स्कूल बंद किए गए हैं। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ। यहां पर एक पेड़ एक इमारत पर गिर गया, इसके बाद इमारत ढह गई। जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ उसे देखकर लोग चीखने लगे। दरअसल ये वीडियो जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है जब कृष्णा नगर इलाके में खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ, जहां पर एक पेड़ जो है वो इमारत पर गिरा, इसके बाद इमारत ढह गई। जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ उसे देखकर लोग चीखने लगे। अनुराग शर्मा सोलन से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर, क्योंकि शिमला में ही कृष्णा नगर वो एरिया जहां पर पहले एक पेड़ जो है वो इमारत पर गिरा और इमारत किस तरह से ढह गई, जिसने ये वीडियो बनाया, चीख पुकार मच गई वहां पर। अभी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में शिमला में क्या हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये कल की घटना है, लगभग 4 बजे जो ये पेड़ गिरा, जो स्लेटर हाउस था, जो नगर निगम का इकलौता स्लेटर हाउस था जो कृष्णा नगर में, वो जो 4-5 इमारतें थी वो ढह चुकी थी। प्रशासन ने पहले ही खाली कर दिए थे, लेकिन जो एक कारोबारी था, मैनेजर था, और जो सोनू और जो उसका एक एम्प्लॉई वर्कर कैश लेने के लिए स्लेटर हाउस में जब गया, उसी समय अचानक जो ये एक साथ जो पेड़ और त्राश के पत्तों की तरह जो इमारत से नीचे गिर गई। ऐसे में बताया जा रहा है कि इसमें 2-3 नेपाली मूल की निवासी भी थे जो कि स्लेटर हाउस के आसपास थे। रेस्क्यू का कार्य लगभग बीते दिन 9:15 बजे तक जारी रहा। उस दौरान तक एक व्यक्ति का शव और एक व्यक्ति का आधा कटा सर ही मिल पाया। और लगातार जो रेस्क्यू का कार्य सुबह से आज फिर से जारी है, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति अत्यधिक दयनीय है। 72 घंटों से लगातार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हो रही है। वहीं यदि बात की जाए, 3 दिन पूर्व जो समरहिल के शिव मंदिर में जो बादल फटने के पश्चात जो मलबा दबा था, उसका जो रेस्क्यू आज तीसरे दिन भी जारी है। बीते दिन तक 4 शवों को निकाला गया, उससे पहले 9 शवों को निकाला गया। कुल मिलाकर वहां अभी तक जो 13 शवों को निकाला गया, उनमें से एक व्यक्ति जो जीवित वहां से निकला है, उन्होंने आप बीती बताते हुए बताया कि वह मंदिर के जो सराय थी वहां पर सो रहे थे। अचानक जिस तरीके से बादल फटा, अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया लगभग 20 से 25 लोग इसमें जो हवन उस दौरान चल रहा था, और 15 अगस्त को वहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष की भांति शिव मंदिर में वहां पर भंडारे का आयोजन किया जाता था। ऐसे में वहां पर जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, अन्य प्रोफेसर दबने की वहां आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस समय एक प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स के एचओडी थी और उनकी जो वाइफ और बेटे के शव मिले हैं, और इसके अतिरिक्त तो बताया जा रहा है कि अन्य प्रोफेसर भी वहां हो सकते हैं। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और सेना के जो जवान है लगातार कृष्णा नगर और शिव मंदिर में जो रेस्क्यू का कार्य आज भी जारी है। यदि बात की जाए शिव मंदिर की, तो तीसरे दिन जो रेस्क्यू कार्य जारी है, और बताया जा रहा है कि आज पूरा मलबा हटा दिया जाएगा। मलबे के साथ साथ जो वहां के वन अधिकारी ने बताया कि जो ये एडवांस स्टडी से जो बादल फटा, ऐसे में जो
समर हिल से यूनिवर्सिटी और समर हिल को जाने वाला सड़क मार्ग दोनों ही क्षतिग्रस्त हुए। इसके अतिरिक्त जो रेल मार्ग ठीक है कामेश्वर, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग शर्मा भी हमारे साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, पिछले 48 घंटे में 60 लोगों की जान चली गई है, प्रशासन की तरफ से क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, क्या कुछ नुकसान की आशंका जताई जा रही है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह के हालात जो है वो हिमाचल में बने रहेंगे, बारिश को लेकर क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? देखिए अनन्या, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल में पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 66 mm से लेकर 273 mm तक की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर हम इसी तरह से बात करें, जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि बारिश जो है वो थमने का नाम ले रही है। दूसरी बात, उसी की स्थिति के साथ में बताऊंगा कि अगर हम 3 जिले ऐसे हैं जो अभी भी ऑरेंज अलर्ट में है, चंबा है, कांगड़ा है, मंडी है और सिरमौर है, ये 3 इलाके ऐसे हैं जिसमें अभी भी जो है ऑरेंज अलर्ट है। उसी के साथ में अगर हम बाकी 10 जिलों की बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, क्योंकि हर समय वो ये रहा है कि थोड़ी देर के लिए धूप आती है और थोड़ी देर के लिए बारिश हो जाती है, और बारिश होने की वजह से जो धूप के वजह से मिट्टी जो है फूल जाती है, और फूलने के बाद जो लैंडस्लाइड का सिलसिला शुरू होता है वो कहीं ना कहीं बहुत खराब है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा गलतियां, क्योंकि इस तरह की भयानक स्थिति कभी बहुत पहली बार ऐसी स्थिति देखी गई कि इतना जल भराव या इतना जल प्रपात जो है वो हिमाचल में पहली बार हुआ है। बहुत लंबे अरसे के बाद बारिश हुई, तो इसलिए लोगों ने कई ऐसी बावड़ियां, ऐसी नदी नाले, इनके ऊपर मकान बना दिए थे, जिसकी वजह से आज जो हम कृष्णा नगर में देख रहे हैं या शांति में देख रहे हैं, सब जगह में ये गलतियां जो है लोगों द्वारा अपनाई गई थी, जिसकी वजह से ये खामियाजा आज भी जनता को भुगत रही है। अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम अगले 5 दिनों तक येलो अलर्ट पे रखा हुआ है, अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें, और अभी स्थितियां जो है वो बिल्कुल जो है नजरअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल अभी भी खतरे में जस का तस बना हुआ है। बल्कि धूप और बारिश के आने जाने से इससे समस्या ये है कि लैंडस्लाइड के खतरे बढ़ जाते हैं, सड़कें धस गई हैं, NHAI पाइप जो है बंद हो चुका है, पाइपें, पानी की पाइपों की बात करें, गिरी योजना की बात करें, और जितने भी योजनाएं हैं वो बंद पड़ी हैं। अगर हम पौंग डैम की बात करें या पार्वती डैम की बात करें, सबका जल स्तर जो है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है, इसलिए खतरा जो है वो हिमाचल में पूरी तरह से बना हुआ है। अगर आपने देखा होगा कि यमुना का भी जल स्तर बढ़ गया, उसका कारण सिर्फ कारण यही है कि हिमाचल की बारिश जो है वो रुक नहीं रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हिमाचल जो है आज भी खतरे में है। अगर हम भोजन की बात करें, दूध, ब्रेड, दही, मक्खन, ये सब चीजें आने के लिए हिमाचल में बंद हो गई। हिमाचल से जो सेब इस वक्त जो ये हाई टाइम, लेकिन ये बड़ा सवाल है, अगर बेसिक खाने पीने की चीजें ही वहां के लोगों को मुहैया नहीं होंगी तो आने वाले समय में स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी। और खबर तो ये भी सामने आ रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के सीएम है, उनकी तरफ से समीक्षा बैठक जो है वो की गई है, क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए अन्य, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त स्थितियां किसी के भी हाथ में नहीं है। जिस तरह की प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी, अब मैं इस बात को दोबारा तवज्जो से कहूंगा कि NDRF और SDRF को जिस तरह से इनको पहले से तैनात करना चाहिए था, बारिश के पहले और बारिश के बाद के प्री और पोस्ट जो हो रहा है उसमें जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसका खामियाजा जो है आज भी देख रहे हैं। अगर हम NDRF SDRF की बात करें, 378 पोस्ट हैं जो हिमाचल में SDRF के हैं, जिसमें से सिर्फ 178 लोग जो हैं वो अभी तैनात है, मतलब 50% से भी कम जो लोग हैं वो SDRF में हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये स्थितियां बन रही हैं। लोगों खबर पर नजर रखिएगा, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त किस तरह के हालात जो है वो हिमाचल में बने हुए हैं, क्योंकि जो दूध, ब्रेड, बेसिक खाने की चीजें हैं वो भी वहां के लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है, और अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आने वाले कब तक हालात जो हैं हिमाचल में सामान होंगे, कब ये बारिश जो है वो रुकेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पहाड़ों पर कहर मचा रही है बारिश, उत्तराखंड में भी आफत की बारिश जारी है, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी भारी बारिश कई शहरों में हो सकती है, कई जिलों में इस तरह के हालात जो है वो बन सकते हैं। देखिए तस्वीरें, जहां पर हम आपको लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज्यादा बारिश होने की वजह से कई जगह से सड़क जो है वो पूरी तरह से धसक गई है। अब जो पहाड़ों का मलबा है जब सड़कों पर आकर गिरता है तो सड़क जो है वो किस तरह से दरक गई है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
और अब खबर है हरिद्वार में, जहां पर नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। भीमगौड़ा बैराज में 293 मीटर पर बह रही है नदी। निचले इलाके के लोगों की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं, ये आदेश दिए गए हैं कि जो लोग निचले इलाके में रह रहे हैं, जहां पर उनके घर हैं, वो अपने घरों को छोड़ दें, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, क्योंकि जैसे ही जलस्तर गंगा नदी का और ज्यादा बढ़ेगा तो उन निचले स्थानों में कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बढ़ जाएगा, बाढ़ का पानी वहां भी पहुंचेगा। तो लोगों को पहले ही कहा गया है कि सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़े, लेकिन हरिद्वार की स्थिति यह है कि गंगा नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा है। भीमगौड़ा बैराज में 293 मीटर पर बह रही है गंगा। निचले इलाकों के लोगों के लिए मुसीबत उसके बाद से बढ़ गई है। अभिषेक देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्योंकि खबर जो सामने आ रही है गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं, इसके अलावा देहरादून में इस वक्त क्या स्थिति है, वहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए जो 15 अगस्त तक की जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट पूरे राज्य में जारी किया था, बारिश के कारण कई जगह जो है काफी नुकसान हुआ है। जो नदियां हैं वो उफान पर है, अलकनंदा हो, भागीरथी हो, सौंग नदी हो, गंगा नदी हो, वो सब जो है उफान पर है। और गंगा नदी जिस तरह से जिक्र किया गया, वहां पर गंगा नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। यानी जो हरिद्वार के जो गंगा के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, अभी कुछ दिन पहले उनमें पानी भी घुस गया था, बाढ़ जैसे वहां पर हालात बन गए थे, लेकिन वहां पर रह रहे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की प्रशासन ने अपील की थी। वही अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर जो है जो रोड का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से भरभराकर जो है वो गिर गया है, और जो संपर्क है, जो दोनों तरफ का जो संपर्क है वो टूट गया है। चारधाम यात्रा उसी कारण रोकनी पड़ी है। ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर कोता घाटी में जो एक बड़ा हिस्सा, करीब 50 से 100 मीटर का जो हिस्सा है सड़क का, वो नदी में बह गया है। ठीक है अभिषेक, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।